बदतमीज है या नहीं? एक तो मुझे इतनी रात गए जबरदस्ती बुलाया गया और मुझे इंतजार करवा रहे हो, वो भी इन मामूली लोगों के बीच। तेरी। अरे बेटा, ये ड्रैगन है ना, चल गई ना तो हीरोइड से कब ब्रॉन्ज पा जाऊंगे पता ही नहीं चलेगा बेटा। तुम लोग हो मामूली, हम नहीं। आयुष, अपुन के खानदान के बारे में ऐसा नहीं बोलने का। आइला, रुक जाओ, खानदान पे किसी के मत जाओ रे। हाँ, सब बैठ जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 1x बेट के बारे में, जो कि एक ट्रस्टेड और रिलायबल बुक मेकर है। यहाँ पे आप बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल के पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे फुटबॉल मैचेस, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, ई स्पोर्ट्स और कई सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेंगे 100 यूरो। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दी है, लिंक पे क्लिक करो, 1xbet पे जाओ और स्पोर्ट्स खेल के पैसे वैसे कमाओ। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करो वरना मैं अगले मैच में ग्लोबल नहीं दूंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सब चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ पे हर इंक्यूबेटर की औकात एक जैसी है। तुम सारे के सारे इंक्यूबेटर फेंके हुए हो, फेंके हुए, आजकल कोई तुम्हें नहीं पहन रहा है। बात तो तुमने सही कही, हम सब बंडल में कोई ना कोई कमी तो लाजमी है। गन्ना चूस के गरीना के ऑफिसर्स ने बनाते वक्त हम पे ध्यान ही नहीं दिया। देखो हमारे हेड, इतने बड़े हेड के साथ कौन हमारा बंडल पहनना पसंद करेगा। इसी कारण के वजह से कोई भी यूट्यूबर तुझे पहनने से पहले 100 बार सोचता है, पता है तुझे? जैसे हमें ही देख लो, हमको इतना चमकीला बनाया कि कोई भी हमें देख लेता है। घास में लेटे तो देख लेगा, ट्रक में बैठे तो देख लेगा। अरे भाई, इतना कलरफुल बनाने की क्या जरूरत थी हमें? हम एक आम इंसान क्यों हो सकते? हमारे पीठ के पीछे हड्डी होगा जी, क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम इंसान गरीब ना? हमें नकली डायनासोर का बच्चा बोल बोल के हमको चिढ़ाया जाता है, हमारे बालों का मजाक उड़ाया जाता है, बोलते हैं मुर्गे का बाल है मुर्गे का। अब एक अच्छा हो गया कि कोई बड़े यूट्यूबर ने हमारा बंडल पहन के लाइव स्ट्रीमिंग की हो। सुन के बहुत दुख हुआ, पर मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ? मुझे तो इतना अच्छा बनाया गया, पर अपुन के भाइयों को देखो, दोनों को मुंह नहीं है, मतलब कुछ फायदे का ही नहीं। लोग काहे को खरीदेगा इनको, गूंगे बह रहे हैं बेचारे। अबे गैफ्टी, तू कुछ बोल दे अगर तुझे कुछ बोलना है तो। हमें कोई कमी नहीं है, पर हमारे मुंह पे मास्क लगा दिया और साथ ही साथ ही मेरे भाइयों को भी वैसा ही बस हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, हमारे फुल टैंक में बहुत कम ऑक्सीजन है। देखो, हम सबकी परेशानी सिर्फ एक ही है, हम रेयर नहीं है, अब हमको वापस रेयर बनना पड़ेगा। पर हम बनेंगे कैसे? ऑल इज फ्री करके, जैसे हमने आर्टिक ब्लू को मारा, ग्रीन क्रिमिनल को मारा, नतीजा क्या हुआ? 8 दिन के बाद डीजे हल्क रेयर इवेंट में आ गया। तो तुम मेरा साथ दोगे क्या नहीं दोगे, बोलो। अबे बात तो तुम्हारी पूरी सही है बे, पर तुम मारने किसको बोल रहे हो? अपुन किसको मार के रेयर बन सकते है ये तो बता बा। पहले बताओ तो सही, किसको मारने के लिए बात कर लिए हो? फर्स्ट इलाइट पास, सेकंड इलाइट पास या थर्ड इलाइट पास? अबे एड़े, वो तेरे बाप के उम्र के है, पहले छोटा बंदों को मारना तो सी। हम कोई कमजोर नहीं है, हम भी मार सकते हैं, तुम हमें कमजोर समझ रहे हो, एक बार ताकत दिखाने का मौका दे दो। इस बात का नहीं, पहले ही हमें कोई नहीं पहनता, पर इस कांड के बाद हम अगर गेम से ही बाहर हो गए तो, अगर हमें बैन कर दिया तो। आयुष, अपुन के भाई रो मत, टोटल गेमिंग एक दिन देखो जरूर बनेगा और वो वक्त बहुत जल्द आएगा। हाँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो वो दिन दूर नहीं जब बच्चा बच्चा तुम्हारे लिए तरसेगा और बड़े बड़े यूट्यूबर्स तुम्हारे लिए सिर्फ डायमंड लगाएंगे और बोलेंगे क्या रेयर बंडल है यार, एक बार दिला दे यार। मेरी कब से ख्वाहिश है गहन गेमिंग मुझे बहन के ग्लोबल पे जाए। और गेम के बैनर पे मेरी फोटो लगाए। अगर मैं सेकंड पे भी आके तो मैं खुश हूँ, पर अगर फर्स्ट पे हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब अपनी टॉप लेवल की गन स्किन लेके आते हैं गन्ना चूस के। आयुष, गन्ने का तो पता नहीं पर ग्रोजा बहुत अच्छे से चलाता हूँ। तो बहुत खूब, अब बोलो मेरे साथ, ऑल इज फ्री। ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री। आयुष फ्री, आयुष फ्री,
अबे डीजे हल्के बच्चे, पागल हो गए तू? मैं नहीं, वो लोग पागल हो चुके हैं। उन लोगों ने मनी आयुष को मार दिया और मेरे पीछे भी लगे हैं, और वो क्रिमिनल तुम्हें मारने आ रहा है। तू मुझे उन क्रिमिनल से डरने के लिए कह रहा है जो खुद जोन में रह के रैंक बढ़ाते हैं और अपना ग्लोबल पुश करते हैं? वैसे नुबड़ों से मैं नहीं डरता। याद है मुझे उनकी स्ट्रेटेजी, कैसे उन लोगों ने मुझे मतलब रैंचो को पीछे से मारा था पता है? एडम, अलोक, वेनम, काओ तुम जल्दी आओ, जल्दी आओ एडम। अरे बेटा ये तो गया, पर इसकी स्क्वाड ढूंढते हैं। हाँ चल नीचे। अरे चंग भगैया चलो नीचे। आयला इनकी तो पिन जाके है। आयला फ्री के किल, अब तो पूरे लूंगा। रैंक गेम में किसकी पिन जाती है बे? अबे नेट अच्छा यूज कर करो बे। हाँ जल्दी चल, जोन आ रहा है। अरे चल रहा हूँ। अबे चल, अबे लाश पड़ी है यार। अब चलो तुम सामने। आयला 6 अलाइव है, डुओ वर्सेस स्क्वाड करना पड़ेगा, होशियार रहना। मैं तो कब से होशियार हूँ? आओ रे बाबा AWM है। ये AWM से तिल्ली पास नहीं मिली पास भी है। ये पला, अरे बाप रे, हेडशॉट रिवाइव दो रे। आयला कौन मारा रे? इसी गन ने लगली। अरे ले ले काय के ऊपर बैठा बे। ला लिया ना तारे जमीन पर। अरे मुझे रिवाइव दो। हाँ दे रहा हूँ, चुपट, तेरी आवाज से लोग आ जाएंगे। खामोश रहने का एकदम, और पैंट नहीं हिलाने का। भैया जी लोग आ चुके हैं, ये देखो पूरा के पूरा ड्रैगन लेके आए हैं, एक बार पीछे तो मुड़ के देखो। हाँ तू, अबे ओ जोन के कीड़ो, मुझे पता है तुम्हारा एक भी किल नहीं हुआ है। तुम पूरे मैच जोन के अंदर रहते हो और लास्ट जोन आए नहीं तो भागते भागते आते हो। hey, हम भागते भागते आए या कुछ और करके आए? तुझे क्या करना है रे? हमें सिर्फ ग्लोबल पे रहना है और इसके लिए हम तुझे मार देंगे। हमारे पास डबल रैंक टोकन है जिसके वजह से हमारा रैंक डबल स्पीड से बढ़ेगा और इसलिए हम ग्लोबल पे बैठे होते हैं। सही कहा ना? ओ भैया जी ये बात करनी जरूरी थी क्या? स्काईलॉर्ड ने अगर एक्सपोज वीडियो बना दिया हमारे ऊपर तो? स्काईलॉर्ड भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये सुन लो कि मैं डबल रैंक टोकन यूज नहीं करता, वो रेड क्लिमर यूज करता है। मेरा नाम मत लाना प्लीज। ओ भैया जी और बात का घड़ा हम पे फोड़ोगे? अरे छोड़ो उसको मारो पहले। अबे इतना था मैं ना, एक एक करके आओ फिर पता चलेगा प्रो प्लेयर कौन है। ओ भैया जी लगता है टोटो गेमिंग का सोलो वर्सेस स्क्वाड देख के आया है। अबे माथे पे सी लिखा है क्या? देख मैं तुझे दो ऑप्शन दूंगा, पहला कि तू जाके जोन में एलिमिनेट हो जा, दूसरा मैं तुझे हेडशॉट देके इधर ही खत्म कर दूं। बोल। ओ भैया जी पक बहुत हो गई, ये ड्रैगन जैसे एक पे हमने इतना पैसा यूं ही नहीं लगाया है। देख हमेशा पैसों से गेम नहीं जीता जाता, स्किल नाम की भी कोई चीज होती है, समझा तूने? लेकिन भैया जी गन में एट्रीब्यूट जरूर आ जाती है और गन हमारी ताकतवर भी हो जाती है, समझा? अब देखो ताकतफुल पावर। जुड़ गो। ओ भैया जी ग्लोबल वन। ये हुआ था मेरे साथ, आइंदा से मैं कभी भी जोन के कीड़े को ग्लोबल नहीं जाने दूंगा। और अब बारी है हमारे ऑल इज फ्री मिशन की। ग्राफ्टी इन्फर्नो बंडल, शैमरॉक बंडल, मरीनो बंडल, डिस्पायरी बनी बंडल, फैंटम बनी बंडल, डिस्ट्रक्टिव बनी बंडल, मिस्टर कैरेट बंडल, मिस्टर फेरी बंडल, मिस्टर आईसी बंडल, मैग्मा रिच बंडल, नियॉन रिच बंडल और ब्लिंग रिच बंडल। ऑल इज फ्री, बोलो ऑल इज फ्री, ऑल इज। यार ये GTA 5 में तो नई नई कार चला के मजा ही आ गया है, कितने भी रोड्स घुमा लो हमें कुछ नया मिलते ही जाता है। अरे वाह क्या नजारा है, सुबह सुबह गाड़ी चलाने का कुछ मजा ही अलग है, क्या कहते हो मेरे भाई? यहाँ की आबो हवा बहुत ज्यादा अलग है, अपने फ्री फायर में तो ऐसी चीजें नहीं है। सुन रे यार पूरी रात रैंक गेम खेल के अपना रैंक बढ़ाया हो। अरे सॉरी भाई। ये क्या हो गया, गाड़ी क्यों बंद हो गई? अरे चालू हो जा। पता नहीं लगता है इंजन में फॉल्ट आया है।
क्यूआर टका हुआ गाड़ी में, देखो। अरे यार गाड़ी चालू हो जा, फ्री फायर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे होता है जीटीए फाइव है, जीटीए फाइव है। अरे लेकिन मुझे मालूम ही तो है, बेकार जगह है। ये क्या बला है, हर बार मुझे ही इंजन चेक क्यों करना पड़ता है। गाड़ी को देखता हूँ क्या हुआ, शायद कुछ समझ में आ जाए। गाड़ी में वो एक्चुअली हुआ क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इंजन कहाँ से खोलूं मैं इसका, अरे कोई मुझे हेल्प करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। अरे यार हम मारने आते, तुम ही चेक कर लो। मैं भी सुन दो, मेरे को बहुत दिमाग खराब है। अरे यार तुम लोग तो कभी मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। रैंक गेम में भी ऐसी होता है, रश भी मैं करूं, किल भी मैं करूं, और तुम लोग सिर्फ अपना रैंक फुकट में बढ़ा लेते हो। क्या कहा, फोकट का रैंक, कुछ मदद चाहिए। ओह बनी इनक्यूबेटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आए। गन्ना चूस के आया, क्या तुम्हारी कार खराब हो गई है। अबे तुम बहुत फॉर्म में चल रहे हो बे, लोकेश गेमर हो या ज्ञान गेमिंग, सब तुमको ही पहन के घूम रहे हो बे, हमको कोई पहन के नहीं घूम रहा। लोकेश गेमर, लास्ट वीडियो में तो तुम्हारा ही बंडल पहन रहा है, हमारा कोई बंडल नहीं पहन रहा। अरे बस करो, अब हम इतने भी खास नहीं, अब हम है ही ऐसे कि मैं हर यूट्यूबर पहनना चाहता है। गन्ना चूस के, तुझे नहीं लगता कि तू बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है। अब इसमें घमंड करने की क्या बात, अब रेयर हूँ तो रेयर हूँ, अब मुझे बड़े यूट्यूबर्स पहनते हैं तो भाई ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी और फकर की बात है, तो तुम लोग जलो मत। तुम रेयर बंडलों में एक चीज तो कॉमन है, कूट कूट के घमंड। ना भी बोल लो, हम तुमसे ज्यादा रह रहे, पता है तुम्हें। देखो तुम भी एक टॉप लेवल के इंक्यूबेटर हो, मैं भी एक टॉप लेवल का इंक्यूबेटर हो, तो ये सारी बातें अभी ना करो तो ही बेटर है। GTFI में आ गए हैं हम लोग, यहाँ से निकलने की सोचो तो ज्यादा अच्छा होगा। निकलने का तो सोचा है, पर सबसे पहले तुम जैसे घमंडी बंडल का घमंड निकालना है। अरे यार ये क्या बात कर रहे यार, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्या हुआ है। मैं तुम्हारा बता, मेरा भाई, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं मेरा भाई। नहीं नहीं, मेरे भाई ये तुमने क्या कर दिया, मेरे भाइयों को मार डाला। अरे इतने मेहनत से वो लोग रेयर बने थे, इतने डायमंड्स लगाए थे उनके ऊपर, वो कैसे कैसे फिर से वापस आएंगे GTA 5 में। मेरे भाई लोग, ये तुमने क्या कर दिया। आयुष, ऑल इज फ्री, आयुष फ्री, आयुष फ्री, ऑल इज फ्री, आयुष फ्री, ऑल इज फ्री, ऑल। तुम लोग पागल हो गया, मेरे भाई लोग मारे गए, तुम लोग क्या ऑल इज फ्री कर रहे हो। मेरे भाई ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री, आयुष ऑल इज फ्री। मुझे भी हुआ था जब मुझे 75% ऑफ पे डाला, पता है मैं कितने की स्पिन पे था, 45 की स्पिन पे था मैं। पता है मेरा औकात फिर क्या हो गया, 30 लेवल की आईडी वाला मुझे लेके घूमता है, अगर उसके पास डायमंड होता है तो। ये सब गलती किसकी है, तुम जैसे लोगों की, तुम जैसे बंडलों को रेयर बनाने के लिए हम जैसे बंडलों को ऑफर में, डिस्काउंट में और पता नहीं किस किस इवेंट में दे दिया जाता है कि निकाल लो डायमंड है निकाल लो, पर अब नहीं चलेगा। वन पंच मैन की गाने मेरे पास, तेरी खोपड़ी उड़ेगी, ऑल इज फ्री होगा, पर ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं फिर से रेयर बनूंगा, ऑल इज फ्री। मेरा नाम है फुल चोरू,
अरे बाप रे, रेयर के नाम पे मारा जा रहा है, ऐसा तो बताना पड़ेगा। मालिक मैं आ रहा हूँ। अपुन का बचपन के सपना था उड़ने का, क्रोनो ने वो पूरा करा। थैंक यू क्रोनो। ये तो मेरा फर्ज था, हम तो वैसे उड़ा नहीं करते, पर फ्री फायर में गाड़ी दे दी। अगर ऐसी बात है तो मुझे गाड़ी क्यों नहीं मिली? हाँ, मुझे तो सिर्फ डंडा मिला और ना ही ढंग की एबिलिटी मिली। कभी कभी अच्छी एबिलिटी मिलना भी काम में नहीं आती है, जैसे लोग मुझे कह रहे हैं गेम से निकाल दो, दिस बैलेंस क्रिएट कर रहा है। अगर लोगों को विक्टर को निकालना है तो निकालो, पर मेरी एबिलिटी मत छीनो वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। अबे तो मर जा, अभी के अभी गिर के मर जा, समझा? स्काईलॉट से फट रही है तेरी, जाके मर जा अगर फट रही है तो। जय के तुम थोड़ा आगे सरक सकते हो, मैं थोड़ा फिसल रहा हूँ पीछे, यहाँ पे जगह की कमी पड़ रही है, प्लीज थोड़ा सा आगे सरक जाओ। क्रोनो जय, प्लीज थोड़ा सा आगे सरक जाओ, अभी हमारे जो बंदर चचा है गिर जाएंगे वो अगर तुम लोग आगे नहीं सरके तो। प्लीज थोड़ा सा आगे सरक। अरे अरे एडम, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने हाथ दूर रखो मुझसे वरना मैं तुम्हें चोंच मार दूंगा। लगता है कि तुम मेरे ग्लोवर चुराने वाले हो, तुम्हें ग्लोवर सपने में भी नहीं मिलेंगे। अरे नहीं, मैं अपनी जगह पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम ढंग से बैठो। हाँ तुम ढंग से बैठो, मैं नहीं, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। अरे एडम चचा, उसकी बात मान लो, वो एक छोटा सा जानवर है, वो भी बहुत प्यारा सा। पर तुम भी तो एक जानवर हो, क्या तुम प्यारे नहीं हो? एक बात बताओ मुझे। अरे बीड़ू, अपुन जानवर नहीं वन मानुष है, तुम्हारा इतना दिमाग हमको भी है, एक दिन हम दुनिया पे राज करेंगे। यहाँ पे सभी को दुनिया को राज करना है, मुझे जादू को बुलाना होगा। मेरे ख्याल से केके मार के बाद सबके दिमाग सरक चुके हैं। ओ भैया, वो ब्लड मून समुराई इधर कहीं देखा गया है, मुझे पक्की खबर मालूम है। अगर वो ब्लड मून समुराई मेरे सामने आ गया तो उसने तो मेरे भाई का सिर्फ सर ही काटा था, और मैं तो उसकी जिस्म का हर एक पार्ट काट के फेंक दूंगा। उसको रेयर बनने का शौक है भैया जी, लेकिन हम उसको ऐसा रेयर करेंगे कि दूसरी बार फ्री फायर में दिखाई ही नहीं देगा, खत्म कर देंगे उसको पूरी तरीके से ब्लड मून को। बात सही है तुम्हारी भैया जी। हे पपल, तुम्हें नहीं लगता कि ये रोड रोस के मुकाबले कुछ ज्यादा ही खाली है? ऐसे खाली रोड देख के मुझे पोची नाके की याद आती है, वहाँ पर ऐसी सन्नाटा होता था और अचानक से घरों से लोग बंदे गोले मारने लगते थे। कौन? ए, वो देख, आईसी इन्फिल्ट्रेटर। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने दिनों से नहीं दिखे, कहाँ गए? भैया जी, ये माजरा क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। दादा, बाबा, बाबा, बाबा। क्या बोला? बाबा? किसको बाबा? क्या हुआ? सामने देख, पूरी की पूरी बिल्डिंग लगा के रखे इन लोगों ने। शाले का जाल,